अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज ने एक छोटी सी सैड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे हम कि हमारा ना जो बैंटम का बच्चा था ना, जो हमारी मुर्गी ने बच्चे निकाले थे, उनके अंदर एक बैंटम का भी था यार। आज उसकी ना डेथ हो गई है। बड़ा सैड है क्योंकि सब कहते थे, सबको बड़े पसंद था वो वाला पेयर ना बैंटम का, और उसका एक ही बच्चा निकला था। सब कहते थे कभी दो निकले, लेकिन सिर्फ एक निकला था। अंडे दो ही रखे थे और उसकी भी आज डेथ हो गई है। तो वो यार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मुर्गा जो है ना, इसने एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा 12 बजे, एक बजे 6 बजे, फिर शाम को, फिर रात को 10 दफ़ा इसने बांग देनी है। इसने कुछ करवा लेना मुझसे, देखे चुप ही नहीं करता, इसकी जुबान ही नहीं मुंह में जाती। इन्हें छोड़े हम ना, ये देखें दोस्तों, ये देखें इसकी डेथ हो गई है। छोटा सा था, बाकी ये देखें माशाल्लाह ठीक है। इनके अंदर से ना एक माता भी निकली हुई थी, वो सामने अगर आपको नजर आ रहा हो ना, वो वाला चूजा, उसको माता भी निकली थी, वो ठीक हो गया। और इसकी यार डेथ हो गई है आज। बाकी हमारे जानवर ये देखें, बल्ब भी लगाया था इसके लिए, कवर घर में बल्ब भी जलाया था, लेकिन फिर भी डेथ हो गई है इसकी। 2 दिन सर्दी पड़ी है, उसकी डेथ हो गई है। बाकी आप हमारे ना डक्स के बच्चे देख लें, माशाल्लाह कितने कितने बड़े हो गए हैं। ये छोटे हैं इनसे, फिर भी बड़े हो गए माशाल्लाह। यार ये देखें इसका बच्चा ना, वो सामने नीचे, उसके नीचे वो झाड़ियों के नीचे गया और कैसे मुझे सामने अटैक किया मेरे ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें सामने इसकी मामा बैठी हुई है, ये देखें इधर है, दिखाता हूँ अगर दिखा सकता हूँ ना। ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसे अटैक कर रही है मुझ पर। इतनी बेवफा ना तुम, हमारी हवेली के अंदर इन्होंने बच्चे दिए हैं और ये देखें हम मुझे काट रही हैं। इसके नीचे गया, ये देखें चने छोड़े। वैसे कोई इरादा नहीं था इसके बच्चे को छेड़ने का, बड़ा गुस्सा कर रही हैं, बार बार मेरे पास आ रही, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ना चक्की काटने लगी हैं। मुझे अचानक की नज़र पड़ी है, मैं असल में देखने आ रहा था अपनी बकरियों के लिए ना, मैंने जंतर का बीज फेंका था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस तरह ही फेंक दिया था बगैर हाल चलाए। तो मैं देखने आया हूँ कि मेरा तजर्बा कामयाब हुआ है कि नहीं, तो उसे देख लेते हैं कि वो निकला है कि नहीं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं अब देखने का टाइम है। इधर मैंने तकरीबन 9 मरले जगह हमारी हवेली के पीछे इधर लगाया था, और मैं देख लेता हूँ कि निकला है या नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें निकलना स्टार्ट हो गया, कोई बीज निकल रहा है और कुछ इस तरह पड़े हुए हैं। ये देखें ये वाला ना ऐसे पड़ा, बाकी कुछ निकल रही हैं। ये देखें निकलना स्टार्ट हो गया, ये देख ले ये। और बाकी ये हमने ना दरेक का पौधा होता है, देखें ये नीचे, ये देखें कितना निकला हुआ, ये देखें। बाकी ये दरेक का पौधा हमने लगाया था, ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा होगा, ये साल पहले हमने लगाया था, ये देखें माशाल्लाह अब बड़ी होनी स्टार्ट हो गई। वो सामने मिर्चें भी लगाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये मिर्चें लगाई हैं हमने, ये सारी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं। अब देखें मिर्चें भी लगी होंगी ने, ये देखें फूल लग रहे हैं, ये देखें फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। अगर इधर से मैं दिखाता हूँ तो ये देखें वो पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। इस दफ़ा ना बारिशें ज़रा जल्दी स्टार्ट हो गई हैं, बेमौसमी जिसे कहते हैं बारिशें, वो स्टार्ट हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वैसी गर्मी नहीं हो रही जैसी पहले होती है जून के अंदर। आज 2nd of June है और बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है इन दिनों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा बारिशें स्टार्ट हैं। और मैं जिस तरफ से आया हूँ ना, वो उधर कीचड़ बहुत ज़्यादा, अब मुझे दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, तो उधर सारे बैठे भी होते हैं यार, मुझे झिझक भी आ रही है यार, तो चलें उधर से चलते हैं। फ्रेंड ये देखें, ये एक नुकसान है, इतनी स्मेल आ रही है ना इस नाले की वजह से। देखें ये खाल जो होती है ना, वो बनाई होती है कि ये फसलों वगैरह को ना पानी लगाया जाए, ठीक है। तो इधर ना वैसे तो पानी नहीं जमा होता, लेकिन बारिश की वजह से इधर पानी जमा होगा, स्मेल स्टार्ट हो गई है। अब इधर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ सारा कीचड़ है, ये देख सकते हैं आप लोग नीचे ना कीचड़ है सारा, इस तरफ भी, इस तरफ तो वैसे ही फसल है ना, तो इस तरफ जो है ना ये जाना पड़ेगा, इस तरफ से ये रास्ता बना हुआ है, इधर से चलते हैं।
देखे ना कितनी हरी भरी खेते हैं माशाल्लाह, कितना मज़ा आ रहा है इस जगह से गुजरने का ना। हर तरफ जैसे क्लीन है, ऊपर से देखे क्लीन लगता है, जैसे क्लीन बिछा हुआ है। मेरे पास अगर ड्रोन होता ना इस टाइम, तो मैं आपको ड्रोन का एक दफ़ा कवरेज करके दिखाता, बड़ी कमाल की वीडियो बननी थी। ये देखें इसको भी ना इधर से, ये देखें बीज लगना स्टार्ट हो गया, ये लोगों ने काटा हुआ है। फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो लालड़ी जो परिंदा होता है लोकल ज़बान के अंदर, सॉरी अगर मुझे नहीं पता उर्दू में या इंग्लिश में से क्या कहते हैं, वैसे हमारे लोकल ज़बान के अंदर लालड़ी इस जानवर को कहते हैं, परिंदे को, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बच्चे को ना किसी ऐसी जगह पर रख दूँ जहाँ ये जो डॉगी वगैरह है या बिल्लियाँ वगैरह हैं इनकी पहुँच से दूर हो जाए। लेकिन यार जब भी मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ ना, सारे जो उसका ग्रुप बना हुआ है परिंदों का, वो मेरी तरफ अटैक कर देता है। तो मैंने अपना लग सपुर्द कर दिया, चले यार जो होगा देखी जाएगी। ये देखे मैं ना आया था कि मैं ना बकरी का जो छोटा बच्चा है ना उसको इधर से पत्ते उतार के डालता हूँ। ये देखें इसके साथ, तो ये देखें आगे से टूट गई है, ये देखें ये देखें देखें चल रही है, सारी टूट गई है आगे से। ये दोबारा से इधर से तोड़ के तो इधर बांधनी पड़ेगी, फिर इसने काम देना। तो अब ना वैसे देख कितनी ऊंची है, उतारी तो जानी नहीं, अब अहमद आता है उसको कहता हूँ जोड़ो तो फिर हम उतारेंगे। चले उतनी देर ना जितनी देर अहमद नहीं आता ना, वो शहर गया है, उतनी देर हम अपने ना जो डक्स हैं और जो अपने मुर्गियाँ हैं ना उनको, वैसे तो हमने चावल डाल दिए थे, लेकिन अब ना इनका जो बाजरा मेन डाइट का टाइम है ना वो हो गया है, अब इनको डाइट देनी पड़ेगी, तो इनको डाइट दे लेते हैं। हमीद आप लोगों का बकरा कब आना है? छुट्टियों में जाएंगे लेके आएंगे। सही है, बेड़ का क्या देसी? बेड़ का। सही है, हामिद कह रहा है जी इधर खीरे भी लग गए हैं इसको, मैं कह रहा था ना किस पता नहीं किस चीज़ का, तो ये खीरों का। ये देखें ये देखें ये देखें दो लगे हुए हैं। चलिए आके बारिश नहीं, तो घास कितना हो गया हर तरफ। ये देखें जी चमानी ना, ये जो बूटियाँ जो फालतू में बूटियाँ उग जाती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, उन लोग काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने इधर अब फसल उगानी है और मौसम जा रहा है, और ये इसकी वजह से फिर फसल ख़राब हो जाती है। ये देखिए सामने कैसी लगी हुई है लाइन, और साथ में ये खाल है, इधर से पानी आता है और फिर पानी रुक रुक के आता है, इसीलिए वो इधर से घास भी ख़त्म करेंगे और ये पहले जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर लेंगे। काफ़ी इन्होंने काट ली हैं, ये देखें वो सामने काटते जा रहे हैं। अब उतनी देर हम डाइट डाल लेते हैं जितनी देर तक अहमद नहीं आता। डाइट डाइट किधर गई? ओ यार डाइट भी ख़त्म हो गई है। अहमद को फ़ोन करता हूँ कि आती दफ़ा ले आओ, वैसे तो इन्हें मैंने चावल वगैरह डाल दिए हैं, इन्हें भी और उन्हें भी। ये मीठू की आवाज़ आपको आ रही होगी, वो कह रहा है मुझे बाहर निकालो। ये ना मिठू अंदर था और चीख रहा था मुझे बाहर निकालो, मैं इसे बाहर ले आया हूँ। ये है जी, अरे मिठू ये माशाल्लाह बुढ़ता भी है और इसलिए हम इसे नहीं ज़्यादा खोलते, सारा दिन डाइट खाता रहता है वो। देखें कभी खरबूजा, कभी तरबूज, कभी केले सेब, जो चीज़ घर में होना वो खाता है, नहीं तो दाल तो खाते ही खाता है हर रोज़ ही। क्यों भाई मिठू बताओ? देखिए सार हिलाता रहता है, जिस दिन देर बातें करनी है ना इसने सार हिलाना है। है ना मिठू? ये देखे तेज हो गया। जो पता मुझे कुछ देने लगा, लेकिन अभी आपने खाया, अहमद ही खिलाएगा आपको आगे, मैंने नहीं खिलाना। फ्रेंड्स मैं ना जाक आ रहा था, मैं देखना चाहता था कि इसका रिएक्शन क्या होता है, जब से मैं इसके पास बैठा हूँ ना ये आवाज़ें निकालता जा रहा है और भूख भी आए हैं और कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। वैसे मजाक आ रहा था, मैंने पास ला के रखी है इसकी डाइट, ये खरबूजा ला के रखा है। ये देखें हाँ, ये देखें इसकी लपक, इसको ना मैं आगे रखूँगा इसके लंघदा, ये खोल ही नहीं रहा मुझसे, ऐसे करके आगे रख दिया, अब ये खाता रहेगा। वो देखें कैसे खा रहा है, वो देखें खाती रहता, फिर भी चवर का चवर ही है, सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहता है। वो देखें नीचे आपको कितने छिलके नज़र आ रहे होंगे, माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना, नज़र ही ना लग जाए फिर छोड़ ही ना देखा ना। तो वैसे देखें क्यों भाई खुश हो, सारे देखें हिलाता रहता है।
फ्रेंड्स, अब मैं घर से बाहर आ चुका हूँ और मैं आपको ना पौधा दिखाता हूँ जिसके नीचे आग लगाई थी और वो बिल्कुल ही सूख गया, हरा भरा दरख्त था, सही है छबला, तो सिर्फ आग लगाई है और आग इतनी देर जली भी नहीं है, तकरीबन 15-20 मिनट चल गई होगी, आधा घंटा, और वो पूरे का पूरे सूख गया। ये देखें, सारे का सारा सूख गया। देखिए, मुझे खुद यकीन नहीं था आ रहा है, हो क्या गया, पता नहीं अब दोबारा सही होता है कि नहीं। बाकी ये देखें, और भी दरख्त हैं बहुत प्यारे प्यारे, इन्होंने लगाए हुए सारी हवेली के अंदर। एक व्यू मैं आपको ना अपनी सारी खेतों का ना ऊपर से भी देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से दूंगा क्योंकि ये ऊँची थोड़ी सी जगह है, तो इधर से मैं आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, वो सामने चाचू मानी हवेली है और ये सारी फसलें और ये हमारी है। ये देखें, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग ना सिर्फ यहीं तक था। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने मान।